मड़ियाहों से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पति अरविंद यादव से हुई एक मुलाकात। आपको बता दें कि प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव धीरे धीरे निर्णय की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मड़ियाहों ब्लॉक के जन समुदाय में सुखबुदाहट तेज है कि इस बार ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सरोज यादव पत्नी अरविंद यादव भी विजयी हो सकती हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी पति से मुलाकात की और इस चुनाव के संबंध में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। आपको बताते चले कि प्रत्याशी पति अरविंद यादव जनता से मिल रहे प्यार और सम्मान से बहुत ही उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो मेरा इस बार ये लक्ष्य होगा कि मड़ियाहों ब्लॉक एक आदर्श ब्लॉक बने। मैं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करूंगा। मैं अपने करने में विश्वास रखता हूं, कहने में नहीं। मैं करके दिखाना चाहता हूं, जो कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ है मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करना चाहता हूं जो जनता ने मुझसे उम्मीद की है। आपको बताते चले कि अरविंद जी जनता का सहयोग हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने हजारों कुंतल अनाज अपनी राइस मिल के माध्यम से जनता में कोरोना वायरस के दौरान वितरित करवाया था और उनसे यह भी अपील की थी कि कोई भी आवश्यकता हो तो निसंकोच उनसे मिले, जो भी हो सकेगा वह उनका सहयोग करेंगे। मड़ियाहों से हमारे संवाददाता कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए और इस अपने क्षेत्र के लिए विकास के मुद्दों पर और जो भी आपके दिमाग में हो कि नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता अगर हमको चुन करके ब्लॉक प्रमुख पद पर बैठाती है, आसीन करती है, तो क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे में जरा बताइए। सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरोज यादव का पति अरविंद यादव, ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी, मड़ियाहों ब्लॉक से। अच्छा सर, जैसे आपके क्षेत्र की जनता ने आपको चुना तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास के कार्य आपने सोच करके रखे होंगे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं क्षेत्र की जनता के लिए उनका सर्वांगीण विकास करने की पूरा प्रयास करूंगा। जैसे उनको रास्ते की जो है उचित व्यवस्था कराई जाएगी, जहाँ पानी लगता है उसका निस्तारण किया जाएगा, जहाँ जिनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई जाएगी, जिनके पास आवास विहीन है जो लोग, और जिस प्रकार की योजनाएं ब्लॉक में आती हैं इसके इत्र जो और भी योजनाएं आती हैं PWP से या अन्य तरीकों से, उसको प्रयास करूंगा कि हमारे ब्लॉक में आए और ब्लॉक का पूरा जो है एक खाका दूसरी तरीके का एक बनाऊँगा, जिसका एक विकास हो और ब्लॉक माना जाए कि मड़ियाहों का एक जो है आदर्श ब्लॉक है। अच्छा, आप मतलब अपने ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक घोषित कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सर, जैसे बहुत से प्रत्याशी हैं, जब तक वो मैदान में रहते हैं, चुनाव मैदान में रहते हैं, तमाम प्रकार के वादे करते हैं, आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा ये चुनाव लड़ने का? मुख्य एजेंडा तो हमारा विकास ही है और विकास ही रहेगा, विकास ही रहेगा। अच्छा अच्छा, तो एक बार सर अपने क्षेत्र की जनता और सारे BDC जो आपको चुनेंगे उनके लिए कुछ दो शब्द इस कोरोना जैसी महाबीमारी में जो लॉकडाउन चल रहा है इसके बारे में उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सर, तब तो सारे BDCO को पहले बधाई, दूसरा उन्होंने जनता ने इतना प्यार दे कि उन्हें जो है BDC बनाया है, तो उनकी कुछ उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर उम्मीद ये है कि वो विकास कार्य करें, अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे, उन्हीं के द्वारा विकास कार्य कराया जाएगा, जिससे उनका भी एक मनोबल बढ़े और वो विकास कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लॉक का सर्वांगीण विकास हो। अच्छा, इसका कहने का मतलब है सर कि आप कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं? जी, कहने में नहीं करने में विश्वास है। एक बार फिर अपने प्रत्याशी का नाम लेते हुए, सरोज यादव, ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी, मड़ियाहों। सर, आप किसी पार्टी से भी संबंधित हैं? पार्टी से संबंधित, पार्टी ये तो पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है इसका जो है निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल आप किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करते? पार्टी नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन जब टिकट मतलब पार्टी से समर्थित हो सकते हैं, हो सकते हैं अगर